प्राचीन समय में किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत अधिक सोचता था। एक दिन उसने सन्यासी होने के बारे में सोचा और नगर से बाहर एक गुरुकुल में गया। वहां लगभग 500 लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। वह व्यक्ति गुरुकुल में पहुंचकर गुरुजी से मिला और उनसे कहा, मुझे सन्यासी बनना है। तो गुरुजी ने उससे कहा कि तुम वास्तव में सन्यासी बनना चाहते हो या सिर्फ सन्यासी दिखना चाहते हो? इस पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि महाराज, मुझे सन्यासी बनना है। तब गुरुजी ने उससे कहा कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं खुद तुमसे मिलूँगा। इतना कहकर गुरुजी ने उससे कहा, अब तुमको इस गुरुकुल में रहकर यहाँ के विद्यार्थियों के लिए चावल कूटने का काम करना है। गुरुजी ने अपने दो शिष्यों को बुलाया और उसे चावल कूटने वाले एक अंधेरे से कमरे में ले जाने के लिए कहा। वह उनके साथ चला गया। अगले दिन से ही काम पर लग गया। जब 10 से 15 दिन बीत गए तो उस व्यक्ति के मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि गुरुजी तो कुछ सिखा ही नहीं रहे, सिर्फ चावल कूट कर वह सन्यासी कैसे बन पाएगा। परंतु उसे अपने गुरु पर विश्वास था। उसने अपना काम जारी रखा। अब उसकी दिनचर्या कुछ ऐसी ही बन गई थी कि वह सुबह उठता, चावल कूटता और शाम को थककर सो जाता। कुछ महीने बीतने के बाद उसके मन में विचार उठने कम हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और 12 साल निकल गए, परंतु उसकी दिनचर्या नहीं बदली। वह सुबह होते ही सभी विद्यार्थियों के लिए चावल कूटने का काम आरंभ कर देता और शाम तक कूटता रहता और शाम को थककर सो जाता। गुरुजी उससे मिलने भी नहीं आते। परंतु अब उसके मन में विचारों की संख्या शून्य हो गई थी। उसके दिमाग में विचार उठने बंद हो गए थे। एक तरह से कह सकते हैं कि वह हर वक्त ध्यान में रहता था। कुछ दिन बीतने के बाद गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों के सामने यह घोषणा की कि मेरा जाने का समय आ गया है। तुम में से कोई भी मन के सत्य के बारे में कोई एक विचार मेरे कमरे के सामने लिख देना। वह विचार आपका खुद का होना चाहिए। जिसका विचार मुझे पसंद आएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। पूरे गुरुकुल में हड़कंप मच गया। सारे शिष्य डर गए थे। सबके मन में एक ही प्रश्न चल रहा था। सुबह हुई, गुरुजी ने सुबह अपने कमरे से निकलकर देखा तो किसी ने भी एक भी विचार नहीं लिखा था। यह देखकर गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उस व्यक्ति के पास पहुंच गए। सभी शिष्य सोच रहे थे कि गुरुजी उसके पास क्यों ले जा रहे हैं। गुरुजी ने उसके पास जाकर कहा, क्या तुम अपने मन के बारे में हमें कुछ बता सकते हो? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मेरा उत्तराधिकारी बनने का मन नहीं है, परंतु आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूँ। गुरुजी मुस्कुराए और कहा, बताओ। तो उसने कहा कि मनुष्य का मन एक दर्पण की तरह होता है। उसके ऊपर विचार एक धूल की तरह होते हैं। जब कोई व्यक्ति विचार रूपी धूल को मन रूपी दर्पण से साफ कर देता है तो वह खुद को देख पाता है और अपने मन को समझ पाता है, और अपने मन को समझ पाना ही सत्य को प्राप्त होना होता है। गुरु ने उसके उत्तर को सुना और प्रसन्न हो गए। गुरुजी ने कहा कि अब तुम पूर्ण रूप से सन्यासी हो, क्योंकि तुमने अपने मन के विचारों को शून्य कर दिया है। यह कहानी यहीं पर पूर्ण होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ विचारों पर लगातार काम करने की ज़रूरत है, जिससे हमें उन्नति और प्रसिद्धि का मार्ग मिल सके और हम सब एक सफल इंसान के रूप में उभरें।